हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। और आज आपको दिखाने वाला मैगी पास्ता चीज़ मैक्रोनी, इसी का एक और ब्रांड मशरूम फ्लेवर मैंने बनाया था। उससे पहले वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। ये है चीज़ मैक्रोनी और देख लीजिए, सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, इसमें क्या क्या है। पोटैटो है, स्टार्च वगैरह, बहुत सारी काफ़ी सारी मतलब न्यूट्रिशियस चीज़ें आराम से पढ़ सकते हैं पॉज करके। और दूसरा इसमें दिखाया कि ड्राई प्लेस में स्टोर करें, प्लस इसमें कुकिंग के जो है सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं स्टेप्स, इनको फॉलो करके और बिल्कुल लेटेस्ट डेट कर लें चेक करके। और 32 रुपीज़ का ये पैक आता है। ये गैस ऑन की छोटा सा एक भगवान हमने रखा वहाँ पे, बाउल जो है और गैस जलाई। सबसे पहले बेसिक स्टेप्स बताऊँगा, बिल्कुल जो सबसे पहली बार बना रहे हैं मतलब कुकिंग उनके लिए बिल्कुल बहुत ही ऐसा है कि कभी कभी करते हैं। थोड़ा पानी लीजिए, एक ग्लास अराउंड 200 to 250 ml। तो अगर ml में हिसाब नहीं आपको ये पता चलता तो आप ग्लास ले सकते हैं, एक पीने का पानी का ग्लास जो घर में पीते हैं। पैकेट लिया, सीजर ली और बस इसको कट करते हैं फटाफट से। नॉर्मल प्रोसीजर कुछ नहीं करना है, सिंपल है। बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कितना क्या चीज़ को कितनी देर करना है, जस्ट वो बता रहा हूँ। मैक्रोनी इसके अंदर ही देख लीजिए, ये नॉर्मली आपने वैसे भी खाई होगी स्पाइसी, बट आज बनाएंगे वाइट सॉस में। ये देख लीजिए, इसके अंदर अलग से वाइट सॉस का एक पाउडर्ड मिक्सचर होता है जिससे वो सॉस क्रिएट करेंगे हम, जो वाइट सॉस पास्ता में आपको दिखती है यूजुअली। ये डाल दिया हमने उस बाउल में वो अपना मैक्रोनी, और ये देख लीजिए पानी के अंदर डाल दिया। पानी मैंने आपको बता ही दिया एक ग्लास, और ये जो वाइट सॉस पास्ता के लिए हमने एक ड्राई मिक्सचर दिया गया इसी पैकेट के अंदर, एंड दैट्स इट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। इसके अंदर देख लीजिए बिल्कुल क्रश करके वेजीज वगैरह सब कुछ है। तो ये वाइट सॉस जो वाइट सॉस का पाउडर इसके अंदर डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा ना स्टिर करते रहें, क्योंकि मैं बताया था क्या होता है जब फ्लेम तेज होती है ना तो पाउडर जो है नीचे चिपक जाता है, जल भी सकता है। तो उसको हल्का हल्का स्टिर करते रहें। बाय द टाइम इट गेट्स बॉइल्ड, ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया है सही 2 मिनट बाद, 2 से 3 मिनट में बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा जितना हमने वाटर कंटेंट लिया उसके हिसाब से। तो इसको हल्का हल्का चलाते रहें ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। फ्लेम लगभग देखिए बहुत तेज़ थी तो मैंने हल्की कम कर दी है। अब ये देख लीजिए बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, बस इसको ऐसे ही होने दीजिए बॉयल। और 3 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। एक ऑरिगेनो, ये एक छोटा सा पैकेट था मेरे पास पिज्ज़ा में से बचा हुआ, मार्केट में भी मिल जाता है, ये ऑप्शनल है डाल सकते हैं, थोड़ा टेस्ट टैंगी हो जाता है, अच्छा लगता है। ये लास्ट में डालेंगे, कट करके रख लेते हैं साइड में। ये हमने रखा अपना बाउल और ये ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया, पानी हटा दिया। अगर आप थोड़ा इसको जो सॉस है उसको हल्का सा लिक्विड रखना चाहते हैं रख सकते हैं, तो फटाफट से बाउल में डाल लीजिए। और यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने में, इसी बीच में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ लाते रहता हूँ। तो बस फटाफट से पास्ता हमारा प्रिपेयर हो गया है, और जो लास्ट टचअप देने वाली बारी है वो ये है कि देखिए पास्ता तो एक्चुअली है, इसमें कॉर्न्स भी मिले हुए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था पैकेट में, कॉर्न्स भी इसके अंदर ही है। इसमें जो लास्ट हमने ऑरिगेनो कट करके रखा था ना, ऑरिगेनो ऊपर से स्प्रिंकल कर लेते हैं हल्का सा, बहुत ही अच्छा लगता है यार। मतलब ऑरिगेनो तो ऐसी चीज़ है कि मैगी वगैरह में भी आप डाल सकते हो, और बहुत अच्छा लगा। इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेते हैं, हल्का सा मिक्स भी कर लेते हैं इसको ताकि वो ऊपर ऊपर इकट्ठा ना हो जाए, लम्स ना बन जाए ऑरिगेनो के, हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो भाई ये थी मेरी प्रिपरेशन एक चीज़ मैगी की, चीज़ मैक्रोनी पास्ता की। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो, और बनाने में तो बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस में लाता रहता हूं अपने चैनल पर। आपके सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और फैमिली के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड, बाय।